मुनव्वर फारूकी का कबूलनामा रिलेशनशिप में दिया धोखा, अब मांगना चाहता हूँ माफी। स्टैंड अप कॉमेडियन और रियलिटी शो लोकअप के विनर मुनव्वर फारूकी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो इन दिनों अपने लाइव शो को कैंसिल होने की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके बिग बॉस 16 में आने की खबरें, उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहती है। उस बीच उन्होंने पुराने रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया। उन्होंने हाल ही में बताया कि उन्होंने रिलेशनशिप में चीटिंग की है और उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा मलाल है। मुनव्वर उन सभी को कॉल करके माफ़ी मांगना चाहते। मुनव्वर फारूकी से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें लाइफ में सबसे ज्यादा पछतावा किस बात पर है, इसके जवाब में उन्होंने सिद्धार्थ कनन से कहा, मुझे बहुत सारी बातों पर पछतावा है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने अपनी माँ के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। मुझे लगता है कि मुझे बाहर नहीं खेलना चाहिए था, मुझे उनके साथ घर पर बैठना चाहिए था। मैंने रिलेशनशिप में धोखा दिया, इसलिए मुझे वास्तव में इसका पछतावा है। मुनव्वर ने आगे कहा कि ऐसा करने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, उस एहसास ने मुझे बदल दिया। ये पूछे जाने पर क्या वो कभी उन महिलाओं को फ़ोन करके माफ़ी मांगने के बारे में सोचते हैं, इस पर कॉमेडियन ने जवाब दिया कि बिल्कुल, मुझे उन्हें फ़ोन करके और सॉरी कहने का मन करता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। मुनव्वर हाल ही में नए गाने ख्वाब में नजर आए, जिसे उन्होंने खुद लिखा था, कंपोज किया था और गाया था। इस गाने में उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों के बारे में बताया, इसके लिरिक्स में गिरफ्तारी का जिक्र भी है। रियलिटी शो लॉकअप में मुनव्वर की संजीव ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। उनकी शेर व शायरी लोगों को बहुत ही पसंद आई। इसी शो में उनकी शादी और बच्चे को लेकर भी खुलासा हुआ, हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा बात नहीं की। मुनव्वर ने यह शो जीता, अब उनके बिग बॉस 16 में आने की खबर, हालांकि अभी इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मिले। थैंक यू।